उत्तरी चीन में पिछले सप्ताह हुई भारी वर्षा के कारण मक्के की कटाई में देरी हो रही है। विश्लेषकों और किसानों की माने तो इस वर्षा के कारण खेतों में पानी जमा हो गया है और इसकी वजह से विश्व में दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश चीन में मक्के की क्वालिटी को लेकर आशंकाएं जताई जाने लगी हैं। बीते सीजन के दौरान आपूर्ति तंग रहने तथा कीमत रिकॉर्ड ऊंचे स्तर पर जा पहुंचने के बाद इस वर्ष चीन में मक्के की ऊंचा उत्पादन होने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन पिछले सप्ताह के आरंभ में उत्तरी चीन में हुई भारी वर्षा के कारण दिक्कत हो गई, क्योंकि मक्के की कटाई शुरू होने वाली थी। इससे कटाई तथा अनाज के सूखने में देरी होने का डर सताने लगा है। शंघाई जैसी इंटेलिजेंस कंपनी लिमिटेड के विश्लेषक का कहना है कि आमतौर पर कहा जा रहा है कि अभी भी बंपर उत्पादन होने का अनुमान है, लेकिन वर्षा ने फसल की कटाई की गति और इसकी क्वालिटी को प्रभावित कर दिया है। क्योंकि काफ़ी वर्षा हुई है, इसलिए किसान हाल ही में काटी मक्की फसल को सूखा नहीं पा रहे और इसके परिणाम स्वरूप टॉक्सिन स्तर ऊंचा हो जाएगा। इतना ही नहीं, चीन में जारी कोयले के संकट की वजह से हाल ही में उद्योगों को बिजली की आपूर्ति को नियंत्रित कर दिया गया है तथा आने वाले सप्ताह में बड़े उद्योगों में फसल को सुखाने की सुविधाओं को बंद किया जा सकता है। इससे चिंता और बढ़ रही है। शानडोंग, हेबेई, तिया शांगसी राज्यों के साथ साथ दक्षिणी राज्य हेनन एवं उत्तर पूर्वी राज्य लियोनिंग में लगातार वर्षा होने के कारण फसल प्रभावित हुई है। चीन स्थित शानडोंग के कुइवे काउंटी में आमतौर पर वर्ष की वर्तमान समय अवधि में मक्के की कटाई पूरी हो जाती है, लेकिन इस बार अभी तक इसकी कटाई भी शुरू नहीं हो पाई, क्योंकि काउंटी के खेतों में काफ़ी पानी भरा हुआ है। मक्की फसल की जड़ें पानी में डूबी हुई हैं। किसानों की माने तो पिछले दो सप्ताहों से वर्षा हो रही है, वहीं क्वालिटी बीते वर्ष की तरह अच्छी नहीं है। जानकारों की माने तो इस वर्षा के कारण कुछ लाख टन मक्के की क्वालिटी कमज़ोर हो सकती है। वैसे देखा जाए तो रिकॉर्ड ऊंची कीमतों का लाभ उठाने के लिए किसानों ने इस वर्ष मक्के की बुआई में वृद्धि की थी। विश्लेषकों को उम्मीद है कि पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में कम से कम 6% वृद्धि होगी। माना यह भी जा रहा है कि उत्पादन में संभावित बढ़ोतरी की वजह से आयात में कम गिरावट आने का अनुमान है। विश्लेषकों ने कहा है कि फिलहाल वे वर्षा के कारण फसल को होने वाली हानि का आकलन कर रहे हैं। हालांकि जिलिन और हिलिया योंगनजियांग जैसे दो उत्तर पूर्वी मक्की उत्पादक राज्यों में अगले महीने तक कटाई तेजी से होने का अनुमान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।